द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने देश के सभी लोगों के दिल को जीत लिया है। देश के हर कोने में इसी फिल्म की चर्चा हो रही है। देश की आवाम में कश्मीरी पंडितों के प्रति सहानुभूति की लहर उमड़ पड़ी है, लेकिन इसके साथ ही द कश्मीर फाइल्स पर अब राजनीति भी गर्माने लगी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने अम्बाला शहर पहुँचे, जहाँ फिल्म देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इसमें जो सच्चाई है और जो कांग्रेस सरकार का झूठा धर्म निरपेक्ष चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कश्मीर से बाहर निकाला गया, कांग्रेस शासित समय के दौरान ही हुआ। उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार की होती है, और किस प्रकार से निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया, ये बहुत ही ऐसी सच्चाई है कि जो लोगों को जाननी चाहिए, इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जाए। फिल्म के बारे में बताते हुए अनिल विज भावुक हो गए। आंखों में आंसू लिए विज ने कहा कि ये बेहतरीन फिल्म है और इसमें सच्चाई को दर्शाया गया है। विज ने कहा कि फिल्म में कांग्रेस का झूठा धर्म निरपेक्ष चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार कश्मीर से बाहर निकाला गया वो कांग्रेस शासित समय में हुआ था, उसकी रक्षा करना भी उस वक्त की सरकार की जिम्मेदारी थी। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।